नमस्कार, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक के बारे में कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। हम लोग जब फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन से स्टडी कर रहे थे, वहाँ बहुत सारे डेफिनेशन थे, उनमें से एक डेफिनेशन था कि स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द ह्यूमन बॉडी और एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इसमें से जो ये डेफिनेशन है कि एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, यदि हम इस पॉइंट को ले तो उसको हम लोग नाम एक स्पेशल नाम देंगे, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, इसे हम क्यों स्टडी करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमें कैसे हेल्प करती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट और इन टू क्योर और टू ट्रीट द डिजीज ऑफ एनी पेशेंट। जो वर्ड फार्माकोकाइनेटिक है, वेरी सिंपल, ये दो वर्ड से बनना है, फार्माकोन एंड काइनेटिक। किसी भी लेमैन से पूछा जाए कि फार्माकोकाइनेटिक आप डिफाइन करें तो इस वर्ड से वो डिफाइन कर देगा कि फार्माकोकाइनेटिक मीन्स कि मूवमेंट ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल। लेकिन जब वो किसी फार्मेसी स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो उसका क्या रिप्लाई होगा कि फार्माकोकाइनेटिक इज ए स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म। और जब किसी फार्माकोलॉजी के पर्सन से पूछा जाए कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होगा तो उसका डेफिनेशन कुछ स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन होनी चाहिए, और उसी स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बीइंग ए फार्माकोलॉजी स्टूडेंट हमें फार्माकोकाइनेटिक को कैसे डिफाइन करना है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो ड्रग हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं उस ड्रग का क्या होता है। हम सभी को मालूम है कि जो ड्रग का इफेक्ट है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ड्रग का कितना कंसंट्रेशन इफेक्टर ऑर्गन में या टारगेट सेल्स में या टिश्यूज में या सेल्स के अंदर मौजूद है। और जो ड्रग का कंसंट्रेशन टिश्यूज के अंदर या सेल्स के अंदर मौजूद है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना ड्रग हमने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग हमारे साइट ऑफ एप्लीकेशन से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर करती है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, लोकल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग। जब लोकल एप्लीकेशन है तो वहां पर वो ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर नहीं करती है। लेकिन जब किसी ड्रग का सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना हो तो साइट ऑफ एप्लीकेशन से वो ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करेंगी, ब्लड सर्कुलेशन से वो ड्रग टिश्यूज में जाएंगी और टिश्यूज के अंदर अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। टिश्यू और जो सेल्स होंगी वो उस ड्रग के केमिकल नेचर को चेंज करेंगी और फिर वहां से वो ड्रग हमारे द्वारा ब्लड सर्कुलेशन में आएंगी और ब्लड सर्कुलेशन से वो किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जाएंगी और उन ऑर्गन्स के द्वारा उस ड्रग को बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाएंगी। तो जब हम पूरी जर्नी के ड्रग मॉलिक्यूल के पूरे जर्नी का हम स्टडी करेंगे तब हम उस जर्नी का नाम देते हैं इट इज द फार्माकोकाइनेटिक। मतलब क्या हुआ कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या हो गया कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। अब इसको हम थोड़ा सा और स्पेशल डेफिनेशन बनाते हैं कि यदि फार्माकोकाइनेटिक हमें स्टडी करना हो तो क्या हो गया कि ड्रग सबसे पहले क्या हो रहा है कि ड्रग साइट ऑफ एप्लीकेशन से ब्लड के अंदर एंटर कर रहा है, मीन्स ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो रही है। अब वो ड्रग ब्लड के द्वारा टिश्यूज या सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है तो वहां पे हम कहेंगे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जब टिश्यूज के अंदर सेल्स उस ड्रग के केमिकल नेचर को चेंज कर रहा है तब कहेंगे इस ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो रही है। और जब वो ड्रग वो हमारे सेल से ब्लड के अंदर आ गई और ब्लड से वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में गई और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा ड्रग को बॉडी से बाहर निकाल दिया गया तब कहेंगे हमारे ड्रग की एक्सक्रीशन हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फार्माकोकाइनेटिक है इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ADME। अब इसी फार्माकोकाइनेटिक को, इसी ADME को या इसी मूवमेंट ऑफ ड्रग को हम लोग डेफिनेशन के रूप में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक इज ए टाइम कोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इनसाइड द इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म। जब उस टाइम कोर्स के उस जर्नी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे इट इज ए फार्माकोकाइनेटिक। यदि हम इसको थोड़ा सा और स्पेशलाइज करें बीइंग ए फार्माकोलॉजी स्टूडेंट, यदि हमें फार्माकोलॉजी फार्माकोकाइनेटिक को डिफाइन करना हो तो हमारी डेफिनेशन कुछ और स्पेशलाइज होनी चाहिए। और वो स्पेशलाइज डेफिनेशन क्या होगा कि फार्माकोकाइनेटिक इज ए या फार्माकोकाइनेटिक एस्टेब्लिश रिले
रिलेशनशिप बिटवीन ए डी एम ई एंड थेरापेटिक इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। कि फार्माकोकाइनेटिक स्टडी से एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है कि ड्रग का क्या ए डी एम ई है और उस ए डी एम ई का हमारे उस ड्रग के थेरापेटिक इफेक्ट से या टॉक्सिक इफेक्ट से क्या रिलेशनशिप है। जब हम उस रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं तो उस हम क्या करते हैं, इट इज द फार्माकोकाइनेटिक। अब हम लोगों ने यहाँ पे चार वर्ड स्टडी किया, ए डी एम ई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फर्स्ट इसको लोग डिफाइन कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिंपल, इट इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन टू द ब्लड सर्कुलेशन और टू द वास्कुलर सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को दूसरा नाम दे सकते हैं वास्कुलर सर्कुलेशन। और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन का डिफाइन क्या होगा कि डिलीवरी ऑफ ड्रग फ्रॉम द वास्कुलर सर्कुलेशन इनटू द टिश्यूज या फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज और सेल्स और नॉट ओनली इनटू द टिश्यूज और सेल्स इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ द सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द सेल्स। कि डिलीवरी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द वास्कुलर टिश्यू टू द इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। तीसरा वर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हो गया कि चेंज ऑफ केमिकल नेचर इनसाइड द सेल्स। कि सेल्स के अंदर किसी ड्रग का जो केमिकल नेचर चेंज हो रहा है तो चलो कहेंगे इट इज मेटाबॉलिज्म। दूसरा हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स। की ड्रग मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को खत्म किया जा रहा है बॉडी के द्वारा तो हम लोग नाम देंगे इट इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम देते हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन। बायोट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया कि हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उस बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा केमिकल के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है तो हम लोग नाम देते हैं इट इज द बायोट्रांसफॉर्मेशन। और थर्ड वर्ड है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या हो गया कि रिमूवल ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटैक्ट बॉडी टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। कि अपने इंटैक्ट बॉडी से इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म से किसी भी मॉलिक्यूल को हम रिमूव कर रहे हैं टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट तब उस हम नाम देते हैं इट इज द एक्सक्रीशन। तीसरे तो हमने जान लिया आज के इस वीडियो में कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है या हमारे और हमारी ये एडीएमई को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसी फार्माकोकाइनेटिक में एक और स्पेशल वर्ड हम लोग यूज करते हैं हमारे फार्माकोलॉजी का अंदर वर्ड आता है उसे हम लोग कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में हम लोग जान लेंगे फार्माकोकाइनेटिक का डेफिनेशन क्या है लेकिन जब वर्ड आएगा क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक तो हम क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि इट इज ए स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। जो फार्माकोकाइनेटिक की जो प्रिंसिपल्स हैं जब हम उन प्रिंसिपल्स को स्टडी कर रहे हैं टू ऑप्टिमाइज द ड्रग डोज टू प्रोड्यूस द डिजायर इफेक्ट। कि ड्रग के डोज को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है ताकि जिस डोज पे वो अपना मैक्सिमम और डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके तब हम उस स्टडी का नाम देते हैं इट इज द क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक। एवं मैं रिपीट करता हूं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक डेफिनेशन का बोर्ड पर लिखा हुआ है कि क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक इज ए स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक टू एस्टेब्लिश टू ऑप्टिमाइज ड्रग डोज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट और मैक्सिमम थेरापेटिक यूटिलिटी देन इट विल बी कॉल्ड एज ए क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक। अब जब हम फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हम स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक जो हम लोग ए डी एम ई का डिटेल स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स स्टडी करते हैं और वो पैरामीटर्स हमारी हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग एंड रिनल एंड द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। हम यहाँ पे पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ड्रग का कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, ड्रग हर बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, बॉडी में किस तरह से मेटाबोलाइज होंगी और ड्रग बॉडी से किस तरह से एक्सक्रीट होंगी, इनका पूरा डिटेल हम स्टडी करेंगे फार्माकोकाइनेटिक में। लेकिन जो मेन पैरामीटर्स है जो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी से हमें मिलती हैं वो हमारा क्या है, वो हमारे चार पैरामीटर्स है दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग एंड लास्ट इज द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। जब ये पैरामीटर जो चार की चार पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं तो इन पैरामीटर्स से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फार्माकोकाइनेटिक है वो डिसाइड करेगा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होनी चाहिए, कि ड्रग को हम किस रूट से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करें, जो ड्रग का जो डोज है वो डोज कितना हो और ड्रग के डोज की फ्रीक्वेंसी कितनी हो। ये तीनों चीजों को हम बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं यदि हमें फार्माकोकाइनेटिक के बारे में
नॉलेज हो, फार्माकोकाइनेटिक की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास से प्राप्त हो। अब जब ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गई, हम लोग इसके द्वारा भी फार्माकोकाइनेटिक को एक तीसरे अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और हम इस डेफिनेशन को और ज्यादा स्पेशलाइज कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक इज ए नॉलेज एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, नॉलेज एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स दैट गिव आइडिया अबाउट द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डोज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि ड्रग का रूट क्या होना चाहिए, ड्रग का क्या डोज होनी चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी से हमें ड्रग एडमिनिस्टर करना है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन के बारे में जो हम जिस प्रोसेस से पता चलता है उस स्टडी का हम क्या नाम देते हैं, इट इज द फार्माकोकाइनेटिक। तो आज हमने जान लिया इस वीडियो में कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि जो दूसरा वर्ड है कि एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी दैट इज अ फार्माकोडायनेमिक, तो फार्माकोडायनेमिक क्या है। हम और लास्ट में कंक्लूड करते रहे, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, बहुत सिंपल डेफिनेशन, एक डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है कि स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन टू द रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। तीसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है कि स्टडी ऑफ द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। चौथा डेफिनेशन क्या हो सकता है कि स्टडी टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ADME एंड थेरापेटिक इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। और लास्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है कि फार्माकोकाइनेटिक एस्टेब्लिश या गिव द नॉलेज एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द ड्रग अबाउट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज ऑफ द ड्रग and frequency of the administration, and this knowledge or this quantification will be called as a pharmacokinetic। तो इस तरह से हम अपने वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फार्माकोकाइनेटिक का कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फार्माकोडायनेमिक। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।